डे रिसर्च प्लानिंग डिवीजन में जो है मेरा काम देहरादून में चलता है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से मैं कुछ किसानों के बीच में काम कर रहा हूँ। जब 2013 की बात है, मैं अपने गांव गया हुआ था। मेरा गांव लखनऊ के पास बाराबंकी पड़ता है, तो वहां पे एक किसान ने आत्महत्या किया था। तो मैं उनके घर गया, मैंने देखा कि स्थिति उनकी बहुत बुरी है। तो मुझे लगा कि अब मुझे जो है इस बदहाल कृषि व्यवस्था के ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। तो मैंने अध्ययन किया और पूरी दुनिया भर से डॉक्यूमेंट्स निकाले, WTO के पूरे लॉज निकालने के बाद मैंने उनका स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मैंने कम से कम अभी तक 40-50 गाँव में जो है डायरेक्ट जाके जो है मैं किसानों से मिला। तो हमको लगा कि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं, क्योंकि ये जो ब्राह्मणवाद पूंजीवाद का इस समय बहुत भयंकर गठजोड़ इस देश में चल रहा है, विशेषकर कृषि के क्षेत्र में सिंजेंटा, मोनसेंटो, बायर, ड्यूपॉन्ट्स और ऐसी जो कंपनियां हैं जो अपने सीड बेच रही, केमिकल बेच रही, पेस्टिसाइड बेच रही हैं और बेच बेच के पूरी कृषि को जहरीला बना रही है, किसान को अपना गुलाम बना रही है, क्योंकि उनके जो है मैक्सिमम सीड जो है सारे पेटेंटेड सीड हैं। और 1970 का जो पेटेंट का सीड था उससे जो है जो पेटेंट का जो कानून था उस कानून को 2005 में बदल कर प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों को जो है पेटेंट में डाल दिया। और इस स्थिति पे आज किसानों किसी को खड़ा कर दिया कि मुझे जो है बड़ी नजदीक दिख रही है कि गुलामी जो है हमारे कदमों में आके खड़ी हो गई। तो मैं जब किसानों के बीच में जब जाके मैंने ये बात बताना चालू किया, तो किसान कहने लगे ठीक है हम ये जो है कृषि के दायरे से जो है बाहर निकलेंगे, लेकिन कोई ऑप्शन बताओ। तो ऑप्शन हमने ढूंढा जो आंध्र प्रदेश के 23 जिलों में महाराष्ट्र की एक टीम काम करती, वो हमने बताया। फिर लास्ट में हमारे पास एक बड़ा प्रॉब्लम आया कि चलिए ठीक है हम जो है केमिकल एग्रीकल्चर नहीं करेंगे, हम जो है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करेंगे, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्शन होता है उसका मार्केट कैसे मिलेगा। तो मैं जो युवा मेरे साथी हैं जो रोजगार की तलाश में, उनके लिए जो है मैं विशेष तौर पर ये बात जो है कहना चाह रहा हूँ, हमने अभी देहरादून में एक रोजगार का जो है मॉडल डेवलप करना चालू किया है कि 20-20 गाँव के 30-30 गाँव के जो है किसानों से मिल के और एक जो है मार्केट खड़ा कर रहे हैं। उस मार्केट में जो है वहीं के लोगों को जो है पूरा रोजगार जो है प्रोवाइड कराने का हमारा जो है प्रयास चल रहा है कि गांव के किसान एक जगह पे लाके अपना सारा जो है सामान इकट्ठा कर देंगे, वहां से जो है पैकेजिंग कराने के बाद हम जो है उसको जो है मार्केट दे रहे हैं। तो इस जो है फील्ड पे हम काम कर रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली बहराइच गया था जो भारत का सबसे कुपोषित जो है जिला घोषित हुआ, क्योंकि बहराइच मेरा बहुत ज्यादा आना जाना रहता है। वहां जाके मेरा खून पूरा खोल गया कि मैंने जो भयंकर गरीबी और लाचारी और बेबसी देखी है उसको देखने के बाद जो है मैंने यही सोचा और घर वालों से आके मैंने बोला कि अब मैं देहरादून छोड़ने जा रहा हूँ, मैं घर भी छोड़ने जा रहा हूँ। और 15 नवंबर से जो है मैं महराइच से अपने कई साथियों को लेके ये ब्राह्मणवाद और पूंजी खिलाफ वाद के खिलाफ जो है पूरा का पूरा एक बुजुर्ग बजाने जा रहा हूँ। और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जो लोग भी 15 अगस्त से जो है 15 नवंबर से मेरे साथ आना चाहते आए, किसी का भी मंच हो, मैं हर किसी के मन से जो है काम करने के लिए तैयार हूँ। मैंने बाराबंकी के पास मुझे किसी ने अभी मैं गया था मुझे जमीन दिया, मैं वहीं पर रहने वाला हूँ और वहीं से ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद के खिलाफ जो अभियान चलाने वाला हूँ। आप लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग आइए और जिस तरीके से जो सहयोग देना चाहता हूँ सहयोग करें। हमारा जय भीम, जय भारत, जय बोलिए।